मैनपुरी जिले में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना करहल के गांव नगला अतिराम का बताया जा रहा है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाद में एक महिला समेत पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद गाँव में तनाव का माहौल बन गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या घटना हुई, किस बात को लेकर? रास्ते के ऊपर विवाद हुआ है। इसने दो साल पहले हमारे बाबा की बाहर तोड़ दी, फिर हम लोग डर की वजह से करहल हम सब लोग किराए पर रहने लगे थे। यहाँ पे लेडीज ही रहती थी और हमारे बाबा, तो आज उसने हमारे बाबा की बाहर मतलब गोली मार दी, और हमारे दाऊ दुकान पे थे उनके गोली मार दी, हमारी बड़ी मम्मी की गोली मार दी और भाभी की गोली मार दी। भाभी तो सो रही थी। तीन लोगों की मृत्यु हो गई, ये गंभीर है। नहीं, एक ही जगह पे घटना को अंजाम दिया गया, अलग अलग जगह जाके? एक ही दाऊ वो वहाँ पे थे दुकान पे, सबको अलग अलग जाके गोली मारी है। तीन लोग यहाँ पे थे, एक वहाँ पे था, चार लोगों को गोली लगी। हाँ, वो था उसके दो जीजा थे। किसने गोली मारी है? राहुल और उसके दो जीजा बिमलेश और अनुज। अनुज परिवार का है, घर का ही और गांव का है? गांव का है। कितने लोगों की मौत हो गई है इस पे? तीन, तीन लोग खत्म हो चुके हैं, एक गंभीर है। वही घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विनोद कुमार, एएसपी राजेश कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गया। बता दें कि गांव नगला अतिराम निवासी कायम सिंह और सोबरन सिंह एक ही परिवार के हैं। दोनों के घर आसपास हैं। दोनों के बीच घर से निकलने के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर सोबरन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करहल के नगला अतिराम गांव में एक कूड़ा डालने को लेकर विवाद था, एक रास्ते का विवाद था, जिसमें आपस में ये परिवारी जन भी हैं। तो राहुल यादव है, इसने फायरिंग की है, जिसमें चार लोगों को गोली लगी है, जिसमें से कायम सिंह, रामेश्वर दयाल और ममता देवी हैं लेडी, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। और एक सरोजनी देवी हैं, ये महिला हैं, ये घायल हुई हैं, इनको सेफ्टी अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। और ये रास्ते को लेकर के विवाद था और आपस में पारिवारिक भी हैं ये, तो कल कोई इनका उसमें रास्ते में विवाद हुआ था, उसके बाद आज अचानक से बताया जा रहा है कि इसने आकर के पहले कायम सिंह को, जो बाहर गांव के बाहर एक दुकान रखे थे, उनको गोली मारी, इसके बाद उनके घर पे आकर के इसने फायरिंग की है, जिसमें तीन लोगों की डेथ हो गई है और एक लेडी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये FIR तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस, स्वाट और कई थानों का पुलिस बल लगभग 5 टीमें हम लोगों ने बना दी है और इनकी शीघ्र गिरफ्तारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।